So hello everyone, this is Topaz IAS and let's continue our economy section current affairs. In today's newspaper, The Hindu, there's a news called Government Hikes Duty on Gold to Cushion Rupee. Center raises tariff on gold to 15%, imposes cess on export of crude oil, fuels to check windfall profits. अब ये विंडफॉल प्रॉफिट्स क्या है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। पहले जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब इम्पोर्ट बढ़ जाता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपी की सप्लाई भी बढ़ती है। अब इस कारण से क्या होता है कि रुपी डेप्रिशिएट कर जाती है, रुपी की वैल्यू नीचे जाती है और किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका इम्पोर्ट कम हो, उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो ताकि करंट अकाउंट में जो डेफिशिट है वो कम हो, ट्रेड डेफिशिट कम हो। और जब रुपी डेप्रिशिएट करेगी तो करंट अकाउंट में डेफिशिट बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन किया है। जो पहला सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है कि गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। अब गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाने से क्या होगा, सिर्फ गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगाई, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे इंपोर्ट ड्यूटी लग सकता था। तो गोल्ड और ऑयल ये दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किए जाते हैं इंडिया में, तो इन पर अगर एक भी ड्यूटी, एक गोल्ड या ऑयल में से किसी एक पर भी अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई ताकि जो गोल्ड का इंपोर्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब दो तरह के इंपोर्ट्स होते हैं, एक होता है नेसेसरी इंपोर्ट्स, एक होता है अननेसेसरी इंपोर्ट्स। कुछ कुछ ऐसे नेसेसरी इंपोर्ट्स हैं जिसको कि हम लोग कम नहीं कर सकते, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स हो गए, अप टू सर्टेन एक्सटेंट्स क्रूड ऑयल हो गया, इसको हम लोग कम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि हम लोग कम कर सकते हैं, वो अननेसेसरी हैं, जैसे कि कार्स हो गए, बाइक्स हो गया एंड अप टू सम एक्सटेंट गोल्ड भी। तो इसीलिए यहाँ पर गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि गोल्ड के इंपोर्ट को डिस्करेज किया जा सके। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट जो यहाँ पे कर रही है कि असेस ऑफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, असेस ऑफ 23,250 पर टन हैज़ बिन लेवाइड ऑन क्रूड ऑयल इन द फेस ऑफ एलिवेटेड ग्लोबल प्राइसेस। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उस पर उसको डिस्करेज करने के लिए उस पर सेस लगा रही है। तो इस पर सेस क्यों लग रहा है, इस पर सेस इसलिए लग रहा है क्योंकि जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो बढ़ी हुई है और ग्लोबल प्राइसेस के बढ़ने के कारण जब ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको विंडफॉल प्रॉफिट्स हो रही है। एक तो ये रीज़न है कि इनको विंडफॉल प्रॉफिट्स हो रही है, जैसे कि यहाँ पे मेंशनड है। ये विंडफॉल प्रॉफिट्स का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जैसे कि हम लोग लॉटरी के केस में देखते हैं, तो ये है ये चीज। ये तो एक रीजन हो गया, और दूसरा रीजन है टू बूस्ट लोकल अवेलेबिलिटी। अब जो क्रूड ऑयल है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग उसके लिए डिपेंडेंट हैं, वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, और इसके लिए हमें वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब एक तरफ तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको कम करने के लिए हम लोग इस पे, गवर्नमेंट ने इस पे सेस लगाया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी लगाई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। तो जो एक्साइज ड्यूटी है और यह सेस है, ये दोनों सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ के प्रोडक्ट्स यहाँ पे लोकली अवेलेबल हो सके और हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो। लेकिन सिर्फ इम्पोर्ट करना ही सॉल्यूशन नहीं है, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट करना भी सॉल्यूशन है। अगर हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक सॉल्यूशन है कि इंपोर्ट को एक तरफ कम किया जाए और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ये दो सॉल्यूशन किया तो यही दो सॉल्यूशन है, इसके अलावा भी गवर्नमेंट और सी चीज़ें, और भी कई चीज़ें कर रही हैं इंपोर्ट को कम करने के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर में गवर्नमेंट जो डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं उसको इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करने पे फोकस दे रही है ताकि हमको उसको इंपोर्ट ना करना पड़े। फिर ऐसे ही एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट फोकस कर रही है
कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जा सके। उसके बाद और भी कई चीज़ें की जा रही हैं, जैसे कि आज फोकस दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, उसके बाद इथेनॉल ब्लेंडिंग पे। तो ये सब सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो थोड़ा कम हो सके। ठीक है, सो ये था आज के इस टॉपिक में, इसको आप लोग एक बार गो थ्रू हुए कवर करें। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू।